हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट और लैब के बारे में, कि जो भी लोग फॉर्म फिल किए हैं प्रोजेक्ट और लैब के बारे में, कि उसका जो डेट है, आई थिंक जो भी लोग किए होंगे, तो बहुत सारे लोग का एक प्रोजेक्ट के लिए उनका मेल आना शुरू हो गया है। तो कई बार होता है कि आईए की तरफ से मिस्टेक होता है कि उनका प्रोजेक्ट का जो मेल है वो नहीं आ पाता है, आइदर बाय मिस्टेक हो या जो भी हो। तो अगर आपके पास मेल आ चुका है तो आप एक बार अपने प्रोजेक्ट गाइड से बात कर लो। जिनका नहीं आया है, आइदर आप 1 वीक के लिए वेट कर लो, अदरवाइज आप बात ज़रूर कर लेना आईआई में कॉल करके कि आपका मेल क्यों नहीं आया है, ठीक है, क्या रीज़न है कि आपका मेल अभी तक नहीं आया, प्रोजेक्ट गाइड नहीं मिला है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि प्रोजेक्ट आपको जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा अभी, उससे पहले आपका प्रोजेक्ट सबमिट होना होता है और उसी रिजल्ट के साथ मर्ज होके आता है। इस बार लेट हो गया था, बाद में आया, लेकिन ज़्यादातर केस में यही होता है कि रिजल्ट के साथ मर्ज होके आता है, ठीक है। तो जो भी लोग प्रोजेक्ट और लैब के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ओके, कौन सा एग्ज़ाम में, विंटर 2020-21 का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में जो भी लोग अप्लाई किए थे उनका मेल आना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों का 9 जनवरी लास्ट डेट आया हुआ है प्रोजेक्ट सबमिट करने का। तो मीन्स आपको, और प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं छोटा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। प्रोजेक्ट और प्लस में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, शायद कुछ लैब का भी मेल नहीं आया है लेकिन प्रोजेक्ट का मेल आना शुरू हो गया। प्रोजेक्ट ज़्यादा टफ है, लैब तो ठीक ठाक है, प्रोजेक्ट ज़्यादा टफ हो जाता है, ओके। अब हमको प्रोजेक्ट में करना क्या है, अगर आप प्रोजेक्ट की बात कीजिएगा, सबसे पहले आपको जो डिटेल दिया गया है प्रोजेक्ट गाइड का, जो आपके उनको गाइड का होगा, जो भी प्रोजेक्ट गाइड होंगे, आपको उनको पहले कॉल करना है, प्रोजेक्ट गाइड से बात करना है कि आप उनको आईआई की तरफ से उनको आपका नंबर मिला है और आप उनसे बात करोगे। दूसरा, आपको प्रोजेक्ट गाइड को अपना लिस्ट बताना पड़ेगा, कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट का लिस्ट लेके जाओगे, सिनॉप्सिस लेके जाओगे कि हम ये प्रोजेक्ट हम चाहते हैं काम करना, तो आपको गाइड बता देगा कि कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट का लिस्ट लेके जाना पड़ेगा, आप अपने फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में भी काम करते हैं या जिस भी ब्रांच से रिलेटेड आप जॉब कर, जो भी कर रहे हैं, मतलब अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट का लिस्ट, आप मैकेनिकल में बहुत सारा है, थर्मल है, पावर प्लांट है, आप मतलब थर्मोडाइनमिक्स है, आईसी इंजन है, कुछ में भी आप कहीं से भी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको गाइड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि सारा वहाँ पे लिस्टिंग होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट गाइड को कॉल करना है, उससे पहले आप अपना तैयार कर लीजिए कि हमको 4-5 जो लिस्ट है हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट में 2-3 चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, जो सबसे बड़ा चीज़ है उसमें पेलगरिज्म का, ओके, पेलगरिज्म क्या होता है, ये कॉपी कंटेंट की बात करता है कि आपका जो पेलगरिज्म है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, अब प्रोजेक्ट है तो आपका कॉपी, अब बहुत लोग क्या करता है कि गूगल से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया तो वो हो गया, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका पेलगरिज्म मैक्सिमम डिपेंड करता है प्रोजेक्ट गाइड के ऊपर, ठीक है। कई बार ऐसे जनरली 30% बीटेक में मेंशन हो जाता है कि 30% पेलगरिज्म चल जाता है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट गाइड कई बार बोलते हैं कि हम 10% से ज़्यादा पेलगरिज्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 10% से ज़्यादा पेलगरिज्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मीन्स कि आपका जो कॉपी कंटेंट होगा कहीं से भी, गूगल से, इधर उधर से, वो 10% ही होगा। कई बार गाइड के ऊपर डिपेंड करता है, जो 30% भी, उससे ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 30% मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो सारा चीज़ गाइड पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी गाइड परेशान करने लगते हैं कि तुम्हारा कॉपी कंटेंट ज़्यादा है, इसको ठीक करो, और कम करके लाओ, और कम करके लाओ। उनके पास टूल होता है, ठीक है, आप जनरली हम गूगल पे पेलग्रिम चेक कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जो अलग एक टूल होता है, पेड टूल होता है, तो उसमें से पूरा पता चल जाता है कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या कॉपी किया, ठीक है। जहाँ से भी उठाओगे, ऐसा नहीं कि आप छुप जाएगा, वो सारा चीज़ें गूगल से पता चल जाता है, वो टूल से, कि आपने क्या क्या कॉपी किया, ठीक है। अब 10% इसीलिए दिया गया है कि कई बार होता है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो थ्योरी है या कोई लॉ है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वही सारा कॉपी चीज़ें होता है जो 10% में या 20% में मतलब आ जाता है, लेकिन जो आपका मतलब प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि आपने अपना रिसर्च किया है या जो मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसमें आपने मॉडिफिकेशंस लाया है, कुछ चेंजेज लाया है आप अपने, कि हम इसमें ये करना चाहते हैं और इसके कारण ये रिजल्ट आएगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, वो सारा चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में दिखाना पड़ता है, ओके। तो ये सारा प्रोजेक्ट का है। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप गाइड से बात करो, गाइड किस तरह से है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली आप आसानी से
प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, या अगर कई बार खरोच टाइप होते हैं तो फिर उस टाइम में आपको फिर दिक्कत होगा। इसलिए पहले से ही क्लियर कर लें कि किस तरह से है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हेल्प कर दो। देखिए प्रोजेक्ट क्या, मैं बता दिया कि हर एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए, ठीक है। कॉमन होता है तो आदमी कोई भी हेल्प कर देता है, लेकिन अब हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होगा तो यूनिक के लिए फिर आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, या बहुत सारे आप गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट गाइड होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट गाइड में उस गाइड की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड से रिलेटेड आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, तो आप उनसे भी बात करके कुछ चार्ज लेंगे और आपको बना के दे देंगे। लेकिन जो भी आपको बात करना है टर्म कंडीशन पहले बता देना कि मुझे इतना ही पिलग्रिम चाहिए, पिलग्रिम रिपोर्ट के साथ चाहिए। आप उनको ये भी बोलना कि मुझे पिलग्रिम रिपोर्ट चाहिए, उसके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। नहीं तो आप फिर बाद में फंस जाओगे, फिर आपको क्योंकि प्रोजेक्ट का ज़्यादा समझ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए उसके बाद अगर आप कहीं से प्रोजेक्ट इस तरह से बनवाते हो तो उस केस में पहले आप एक ओवरव्यू उनसे क्लास ले लेना कि हमको एक दिन का, एक घंटे का, दो घंटे का क्लास चाहिए प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, कि प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको गाइड पूछेगा भी प्रोजेक्ट में स्टे, तो अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रोजेक्ट का क्या पर्पज़ क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका रिजल्टेंट क्या है, तो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसीलिए पहले आप इस तरह से उनसे बात कर लेना, अगर आप किसी से लेते हो तो। अगर खुद बनाते हो तो उससे वेल एंड गुड है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद ही उस पर रिसर्च कर रहे हो, उस पर खुद ही रिसर्च करके आपने बनाया है, ठीक है। तो यही है प्रोजेक्ट के बारे में। तो जिन लोगों का प्रोजेक्ट का मेल आया है, आप बात करके अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें। प्रोजेक्ट जो होता है आपका 60-65 पेज का बना सकते हैं, ऐसे 65-70 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें जनरली क्या होता है कि रेगुलर बीटेक जो करते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ता है, मतलब जो फिजिकल प्रोजेक्ट बना के, जैसे मान लो कि आपने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम बनाया, तो वो पूरा सिस्टम आपको ऑपरेट करके वहाँ दिखाना पड़ता है। आप में क्या है कि सिंपल आपको पहले आपको क्या देना है, PDF देना है, वो PDF या वर्ड फाइल देना है, वो आपको चेक करेंगे सब कुछ। फिर आपको नॉर्मल हार्ड बाइंडिंग करा के 3 बाइंड को कराना है बुक की, मतलब हार्ड बाइंडिंग करवा के एक कॉपी IIT के पास जाएगा, एक आपके पास रहेगा, एक प्रोजेक्ट गाइड के पास रहेगा। तो इस तरह से आपको 3 कॉपी बनवा के देना होता है। ये बात की बात है कि आपको वो सब कुछ फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसे सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा फॉर्मेट की, फर्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए, सेकंड में क्या होना चाहिए, सिनॉप्सिस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, वो सारा चीज़ आपको उसमें, प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें एक सीक्वेंस से होना चाहिए कि लगे कि हाँ प्रोजेक्ट है। तो ये है आपको इतना पेज का, 65-70 पेज का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको, क्योंकि एग्ज़ाम उस टाइम पर क्या होता है कि एग्ज़ाम का भी प्रेशर हो जाता है और फिर आपको रिपोर्ट भी सबमिट करना है, टाइम का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, और बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार गाइड से बात कर लीजिएगा। अगर मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हाँ, प्रोजेक्ट में हम अभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि सबका यूनिक प्रोजेक्ट है और यूनिक प्रोजेक्ट किसी के लिए बनाना इतना आसान नहीं होता है। आप जितना आप खुद कर सकते हैं उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, या कोई आपको चार्ज लेके बना के दे दे वो अलग बात है, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिए, मेल नहीं आया है तो बात कर लीजिए, अगर मेल आ गया है तो अपना प्रोजेक्ट गाइड से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए अलग से एक मेल आएगा। जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया होगा, या आसपास का जो भी कॉलेज होगा, आप जहाँ भी रहते होंगे या जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया ही होगा, तो उसी आसपास में आपको, उसी कॉलेज में आपको मिलेगा। और वो चूँकि 1 वीक का होता है 10 लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको लैब का वो फाइल लिख के, तो आप एक दिन में ला के लिख के सबमिट कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लैब का आपको एक दिन में, दो दिन में आप वहाँ पे जाके मैनेज भी कर सकते हो। मेन टेंशन है आपको किसका, प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट के लिए आप अपना तैयार हो जाइए और बात कर लीजिए, जो भी बात करना है, जिनसे भी करना है, जो भी गाइड का आपके पास नंबर आया है एक बार बात कर लीजिए। अगर कई बार प्रोजेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट था कि प्रोजेक्ट लास्ट ईयर उनको मेल नहीं आया, या मेल आया लेकिन वो नहीं सबमिट किए, उस केस में क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि प्रोजेक्ट गाइड चेंज करवाना है, गाइड उनका सही नहीं है, तो इसके लिए आपको IIT को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट अगर लास्ट टाइम आपने सबमिट नहीं किया और आपने फॉर्म फिल कर रखा था तो पेमेंट आपको प्रोजेक्ट में दोबारा नहीं लगता है। अगर आप चाहे गाइड चेंज करवाना चाहते हैं तो IIT को आप मेल कर सकते हैं कि गाइड है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप उस समय प्रोजेक्ट गाइड को चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको IIT को मेल करना पड़ेगा, हो सकता है अप्रूवल नहीं भी मिले, अगर आपको उससे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो पिछला जिनका छूट गया है या गाइड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रॉपर बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कई बार होता है ये प्रोजेक्ट गाइड बात ही नहीं कर रहा है, स्टूडेंट को टाइम ही नहीं दे रहा है, उसका टाइम चला जा रहा है, तो इस केस में भी है, तो इस केस में आप IIT को मेल कीजिए या IIT को बात कर सकते हैं, ठीक है।
तो इतना ही है अभी के लिए इस वीडियो में। बाकी आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिएगा, हम आपको ज़रूर, या आप मुझे आप info@modulation.in पे इस पर आप मुझे जो भी प्रॉब्लम होगा आप चाहे तो मेल कर सकते हैं info@modulation.in, ठीक है, इस पर आप मेल कीजिएगा। अगर आपको कुछ इशू होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेल पर ही रिप्लाई देने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।